महात्मा गांधी, जिन्हें आज पूरा भारत उनके अच्छे कामों की वजह से याद करता है, एक ऐसा लीडर जिसने बिना किसी हिंसा के सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग की मदद से अंग्रेजों को भारत से भगा दिया। जहां एक और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले गांधी जैसे महान इंसान ने हमारे देश में जन्म लिया, वहीं दूसरी ओर नाथूराम गोडसे जैसे गांधी के हत्यारे ने भी हमारे देश में जन्म लिया। भले ही इतिहास में नाथूराम गोडसे को एक बहुत ही सनकी आदमी बताया जाता हो, पर सच्चाई तो यह है कि आज हमारा देश महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे के बीच बटा हुआ है। जहां कुछ लोग नाथूराम गोडसे को हत्यारा मानते हैं, तो वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारकर अच्छा किया। पर क्या सच में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारकर अच्छा किया था? और ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि गोडसे को अपने आदर्श गांधी जी को ही मारना पड़ा? यही सब समझने की कोशिश करेंगे हम आज के इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। 30 जनवरी 1948 शाम के करीब 5 बजे महात्मा गांधी जब संध्या पूजन के बाद बाहर आ रहे थे, तभी भीड़ से होते हुए नाथूराम गोडसे गांधी जी के पास पहुंचा और उसने गांधी जी को नमन किया और उनका रास्ता रोक लिया। ये सब देखकर गांधी जी की बेटी मनु ने गोडसे को साइड हटने के लिए कहा, पर फिर भी नाथूराम गोडसे यहां से नहीं हटा और उसने गांधी जी को धक्का दे दिया, जिसके बाद कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही नाथूराम गोडसे ने अपने पास छुपा रखी एक पिस्टल को निकाला और गांधी जी के सीने पर लगातार 3 गोलियां दाग दी, जिससे गांधी जी लहूलुहान हो गए। पर गांधी जी को गोली मारने के बाद भी नाथूराम गोडसे वहां से नहीं भागा और वो वहीं पर निडर होकर खड़ा रहा। गांधी जी को इस तरह से लहूलुहान देखकर उनके समर्थक बुरी तरह से भड़क चुके थे और उन्होंने तुरंत ही नाथूराम गोडसे को पकड़ लिया और उसे पीटना शुरू कर दिया। एक और गांधी जी लहूलुहान पड़े थे, वहीं दूसरी ओर उनके समर्थक उनके ही विचारों की हत्या कर रहे थे और अहिंसा के रास्ते पर उतर चुके थे। काफी देर तक भीड़ नाथूराम गोडसे को पीटती रही, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी मुश्किल से नाथूराम गोडसे को भीड़ से छुड़ाया और गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद ये खबर मीडिया और अखबारों में तेजी से फैल गई कि गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। पर दोस्तों, हम आपको बता दें कि गोडसे का ये गांधी जी को मारने का पहला प्रयास नहीं था, बल्कि इससे 10 दिन पहले यानी कि 20 जनवरी 1947 को भी गोडसे ने गांधी जी को मारने का प्रयास किया। दरअसल 20 जनवरी 1947 को जब गांधी जी एक सभा को संबोधित कर रहे थे, तब नाथूराम और उनके साथियों ने इस सभा में अचानक एक ग्रेनेड फेंक दिया, जिससे यहां पर हलचल मच गई और सभी लोग इधर उधर भागने लगे। और यही नाथूराम गोडसे और उसके साथियों का प्लान था। उन्होंने सोचा था कि जब भीड़ गांधी जी से अलग हो जाएगी तो वो दूसरा ग्रेनेड गांधी जी पर ही फेंक देंगे, जिससे उनकी मौत हो जाएगी। मगर दूसरा ग्रेनेड फेंकने से पहले ही नाथूराम गोडसे के एक साथी दिगंबर बाडगे ने ग्रेनेड फेंकने से मना कर दिया और वो काफी डर गया, जिसकी वजह से नाथूराम गोडसे और उसके साथियों को यहाँ से भागना पड़ा। यहाँ पर नाथूराम गोडसे का एक साथी मदनलाल नहीं भागा, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और इस हमले में शामिल नाथूराम गोडसे और उसके सभी साथियों को ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी। वहीं दूसरी ओर अब नाथूराम गोडसे और उसके सभी साथी अलग अलग हो चुके थे। मशहूर लेखक अशोक कुमार पांडे अपनी किताब उसने गांधी को क्यों मारा में बताते हैं कि इसके बाद नाथूराम गोडसे ने अपने एक साथी के साथ दिल्ली से कानपुर के लिए ट्रेन पकड़ ली थी, मगर इस ट्रेन में बैठने के बाद नाथूराम गोडसे को काफी पछतावा हो रहा था और इसी ट्रेन में बैठकर उसने ये प्रण लिया कि अगली बार वो गांधी जी को खुद अपने हाथों से मारेगा और किसी पर भी निर्भर नहीं रहेगा। और इसके 10 दिनों के बाद ही नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को खुलेआम गोलियों से भून दिया। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि गोडसे खुद कभी गांधी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक था और वो गांधी जी को अपना आदर्श मानता था। जब गांधी जी नॉन कॉर्पोरेशन आंदोलन चला रहे थे तो नाथूराम गोडसे अपने स्कूल में था और वो गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित था। पर तभी इस आंदोलन के दौरान ही कुछ लोगों ने हिंसा करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से गांधी जी बहुत ही ज्यादा दुखी हुए और उन्होंने इस पूरे के पूरे आंदोलन को ही बंद कर दिया। और जैसे ही गांधी जी ने इस आंदोलन को बंद किया, तब से ही नाथूराम गोडसे के मन में गांधी जी के लिए नफरत उभरना शुरू हो गई। जब गोडसे को गिरफ्तार किया गया तो कोर्ट में पेश होते ही उससे पूछा गया कि आखिर उसने महात्मा गांधी को क्यों मारा, तो इसके जवाब में उसने कहा था कि गांधी जी को मारने के उसके पास कई वजह थी। गोडसे के अनुसार गांधी जी ने हमेशा ही देश के हिंदुओं के साथ नाइंसाफी की थी और वो हमेशा ही मुस्लिमों के हितों में ही फैसले लेते थे। यहाँ तक कि नाथूराम गोडसे गांधी जी को भारत के बंटवारे का कारण भी मानता था
उसके अनुसार गांधी जी की वजह से ही भारत के दो टुकड़े हुए। गांधी जी के अनशन पर गोडसे ने कहा कि उन्होंने हिंदुओं से अपनी बात मनवाने के लिए ये हथकंडा अपनाया था, क्योंकि अगर मुस्लिम लीग के सामने वो ये सब करते तो मुस्लिम लीग उन्हें सफा मना कर देती, और इसीलिए गांधी जी ने अनशन किया। यहाँ तक कि गोडसे के अनुसार गांधी जी एक तानाशाह थे जो अपनी मर्जी के हिसाब से भारत को चला रहे थे। वो अपनी मर्जी से किसी भी आंदोलन को बंद और शुरू कर देते थे। आगे गोडसे ने कहा कि मुझे गांधी जी को मारने का कोई भी पछतावा नहीं है, और मैं अभी भी यही मानता हूँ कि मैंने गांधी जी को मारकर सही किया, क्योंकि वो इसी लायक थे। उन्होंने हमेशा ही भारत के हित में फैसले नहीं लिए बल्कि पाकिस्तान को ज्यादा अहमियत दी। कोर्ट में गोडसे ने कहा कि मैंने गांधी जी को मारकर कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि गांधी जी को मारकर मैंने देश पर एक बहुत बड़ा उपकार किया है, और आज जो लोग गोडसे को एक देशभक्त के रूप में मानते हैं वो सभी लोग इन सभी विचारधाराओं पर ही विश्वास करते हैं, और आए दिन वो लोग गोडसे के विचारधारा पर चर्चा करते हैं और इन्हें फैलाने की कोशिश करते हैं। पर दोस्तों, हम आपको बता दें कि जिस तरह नाथूराम गोडसे गांधी जी और कांग्रेस को भारत के विभाजन का कारण समझता था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बल्कि देश के विभाजन का सुझाव देने वाले गांधी या फिर जिन्ना नहीं बल्कि गोडसे के ही राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी तो आखिर तक विभाजन के खिलाफ थे, और उन्होंने बहुत प्रयास किया था कि इस विभाजन को रोकने का। उन्होंने हर बार एक अटूट भारत की ही बात कही, और भारत को विभाजित ना करने को लेकर मुस्लिम लीग के नेताओं से बातचीत करने की भी कोशिश की, और उन्हें काफी मनाया भी। मगर जिन्ना गांधी जी की किसी भी बात पर राजी नहीं हुए, और उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे लॉन्च कर दिया, जिसके बाद देश भर में दंगे हुए, जिसकी वजह से गांधी जी को जिन्ना की बात माननी ही पड़ी और भारत के दो टुकड़े करने पड़े। मगर विभाजन के बाद भी गांधी जी भारत में हिंदू और मुसलमानों को एक साथ मिलकर रहने की बात करते रहे, और गांधी जी की बदौलत ही उस समय विभाजन के बाद भी बहुत से मुस्लिम पाकिस्तान में नहीं गए और भारत में ही रहे, जिसके बाद उन्होंने भारत में रहकर ही हमारे देश को आगे बढ़ने में सहायता की। रही बात गांधी जी के नॉन कॉरपोरेशन आंदोलन को बंद करने की, तो ये गांधी जी का एक सही फैसला था, क्योंकि इस आंदोलन को इसीलिए शुरू किया गया था ताकि लोग अहिंसा के साथ अंग्रेजों के सामने अपनी मांग को रख सके। लेकिन जब इस आंदोलन के दौरान हिंसा भड़कने लगी तो फिर इस आंदोलन के मुख्य उद्देश्य को ही ठेस पहुंची, और इसीलिए गांधी जी को इस आंदोलन को बंद करना पड़ा। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस आंदोलन को बंद करने के बाद गांधी जी अंग्रेजों के सामने झुक गए थे। इसके बाद भी गांधी जी ने बहुत से ऐसे आंदोलन किए जिसमें वो अंग्रेजों के सख्त खिलाफ थे। जो लोग गांधी को हिंदू विरोधी बताते हैं वो इस बात से अनजान है कि उस समय गांधी जी सभी धर्मों को भारत में एक समान हक दिलाने पर काम कर रहे थे, और वो पिछड़े वर्ग के लोगों को समान अधिकार दिलाना चाहते थे। गांधी जी चाहते थे कि भारत में सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहें और पिछड़े वर्ग के लोग भी समाज में सर उठाकर जी सके। हालांकि नाथूराम गोडसे भी पिछड़े वर्ग के लोगों को समान अधिकार दिलाना चाहते थे, मगर फर्क सिर्फ इतना था कि गांधी जी सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार दिलाना चाहते थे, जबकि नाथूराम गोडसे सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म को ही आगे बढ़ाना चाहते थे, और वो बाकी धर्म के सख्त खिलाफ थे। पर गांधी जी सभी धर्मों को लेकर एक थे, और इसी वजह से कुछ लोग उन्हें हिंदू विरोधी भी कहते थे और उनके जीवन पर भी सवाल उठाते हैं। गांधी जी का जीवन भी इतना साफ सुथरा नहीं था कि लोग उन पर सवाल ना उठाएं। गांधी जी ने भी कई ऐसे फैसले लिए जो उन्हें नहीं लेने चाहिए, लेकिन गांधी जी के इन फैसलों की वजह से क्या उनकी हत्या कर देने का फैसला सही था, इस पर आपके क्या विचार है दोस्तों, कमेंट्स में जरूर बताएं। खैर, गांधी जी की हत्या करने के बाद नाथूराम गोडसे को भी फांसी की सजा सुनाई गई, जिसे गांधी परिवार के कुछ लोगों ने वापस करने की अपील भी की, लेकिन कोर्ट ने उनकी अपील को बर्खास्त कर दिया और नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा दे दी गई। इस केस में मुख्य जज जीडी गोसला के अनुसार गांधी जी को मारने के बाद नाथूराम गोडसे को अपने अंतिम दिनों में इस बात का पछतावा भी हो गया था कि उसने गांधी जी को मारकर सही नहीं किया। नाथूराम गोडसे को फांसी पर चढ़ाने के बाद आरएसएस पर भी बैन लगा दिया गया। हालांकि आरएसएस ने कहा कि नाथूराम गोडसे ने सन 1930 में ही आरएसएस की सदस्यता छोड़ दी, पर नाथूराम गोडसे के भाई ने आरएसएस पर आरोप लगाते हुए कहा कि नाथूराम गोडसे के अंतिम दिनों में आरएसएस ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। हालांकि पूरी सच्चाई तो कोई भी नहीं जानता, और ये हमने आपको जो कुछ बताया है ये इतिहास में लिखा हुआ है। फिर भी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।